मॉर्निंग गाइस, ये हमारे विशाल जी अभी ट्रैकिंग करने के लिए तैयार हो चुके हैं। ये यहाँ हमने रात को स्टे किया था। ये है हमारे विनाश जी जो अभी पैकिंग कर रहे हैं। ये देखिए गाइस, यहाँ का व्यू बहुत ही बढ़िया है। राम राम गाइस, तो आज सुबह हो चुकी है। जो हमारा प्लान था वो कल किसी कारणवश पूरा नहीं हुआ, तो हमें रात को स्टे करना पड़ा था और अभी हम निकल रहे हैं ऊपर। तो अभी जो प्लान था हमारा, रूट बिल्कुल चेंज हो गया। अभी हमें सीधा जो खड़ा पहाड़ है वो चढ़ना है ऊपर। अभी हमें पहुंचना है उस पॉइंट पे जो सबसे टॉप पे है। रात को यहीं स्टे हुआ था हमारा, तो बारिश बहुत ही ज़्यादा थी रात को, तो हम आगे जा नहीं पाए, तो जिस कारण हमने अभी अपना ट्रैक जो है स्टार्ट कर दिया सुबह। तो अभी हमारा जो ट्रैक था वो चेंज हो चुका है, अभी जाना हमें सीधे ऊपर। कल रात को हमने ट्रैक किया था वहाँ से, तो यहाँ पहुँचने में हमें लग गए 2 घंटे। तो फिर बारिश ज़्यादा थी जिस कारण हमें यहीं स्टे करना पड़ा था इसी घर में। तो अभी हम स्टे करके निकल रहे हैं यहाँ से, तो कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ से। तो आजकल बरसात का मौसम है और भाई हर तरफ हरा भरा, मन को एक शांति मिल रही है। और आज भी मौसम खराब है, घने बादल हैं, तो बारिश आएगी, इसलिए हमें जल्दी चलना पड़ेगा। तो हमारे ट्रैकर भाई यहाँ चढ़ाई चढ़ना स्टार्ट हो गए हैं। तो भाई अभी हमने 100 मीटर चलाए हैं ऊपर। फाइनली आधे घंटे के बाद इन कांटे भरी झाड़ियों से हम निकल कर आए, लेकिन क्या करें, बाद में पता चला कि रास्ता यहाँ से था बिल्कुल साफ और पब्लिक सारी सोक्ड है हमारी। हमारे गाइड जो नूब है प्लेयर बिल्कुल। बैठे हैं चैन से, कहीं जाना तो है नहीं, हम बेघरों का कोई ठिकाना तो है नहीं। वो जो हमें पसंद है कौन है कैसा है क्यों पूछते हो, हमने बताना तो है नहीं। व्यू भाई चेकआउट करो। तो 2.5 घंटे बाद हम यहाँ पहुंचे ऐसी लोकेशन में, और ये हमारे प्रो प्लेयर और ये प्रो नूब मिस्टर बंटू। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो, रहने लो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। प्रो नेगी गाइस, व्यू चेक आउट करो यहाँ से। और भाई अभी हमें जाना है टॉप पे, तो अभी 1.5 घंटे का सफर हमारा अभी बाकी है। फाइनली भाई रात के बाद हमें भाई पानी मिला है, तो हाल अभी बुरे हैं कुछ। और ये प्रो प्लेयर और भाई बंदे का गजब ही स्टाइल है पानी पीने का, लेकिन भाई इससे खतरा भी है, जो झोंके आपके नाकों के अंदर घुस सकती है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। इन सब की प्यास बुझ गई है भाई पानी पी के। एक बंदा हमारा ये नेगी जी है जो कि मना कर रहे हैं कि पानी पीने का मजा नहीं आया। अब हम जाएंगे अगले सोर्स में। ये हमारे बाला शैतान कसाला बाला। ये बढ़िया था गुरु। कहीं पे पहुंचने के लिए ना कहीं से निकलना बहुत जरूरी है।
एक जो बहुत ही बड़े यहाँ पे प्राचीन बड़े बड़े पत्थर हैं उसके नीचे से आ रहा है। और हमारे विजय जी अभी पानी पी रहे हैं, बहुत ही प्यासे हैं। चरण सुख का आनंद प्राप्त। चार घंटे बाद हम ट्रैक करने के बाद हम पहुंच चुके हैं कमारी। तो यहाँ से कुछ व्यू इस तरह का है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो गाइस अभी हम बिल्कुल नीचे से आए थे तो लोकेशन अभी दिख नहीं रही है क्योंकि धुंध पड़ी हुई है। तो अभी बादल हैं, बरसात का मौसम है, तो पहाड़ों में कुछ इस तरह का क्लाइमेट है। तो हमारे जो ट्रैकर भाई लोग हैं वो अभी थक गए हैं और सो गए हैं। और यहाँ से कुछ नेचर का इस तरह का व्यू है तो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि यहाँ के जो सुंदरता है वो मेरी माइंड की डिक्शनरी में अभी है नहीं उसके लिए कुछ वर्ड। कुछ ऐसा सीन है यहाँ से। तो अभी जो ये बादल पहाड़ों को चीरते हुए सीधे आगे बढ़ रहे हैं तो एकदम अद्भुत यहाँ का सीन है। और जो ये पहाड़ है बहुत ही सुंदर। और सामने है चुलंग। अभी हम यहाँ पे जाएंगे नहीं, यहाँ का प्लान है नहीं। तो यहाँ से अभी हमें जाना है नीचे बिल्कुल। तो अभी भी हमें लग जाएंगे 3 से 4 घंटे नीचे पहुँचने में। और ये हमारे विशाल जी जो नेचर को कैप्चर कर रहे हैं अपने स्मार्टफोन में। कई शहरों का कुछ इस तरह का सीन है, जो बादल हैं बिल्कुल एक लेयर में बने हुए हैं तो बिल्कुल ही शानदार लग रहे हैं। गाइस जैसे ही यहाँ बादल खुल जाएंगे तो मैं यहाँ से आपको व्यू दिखाऊंगा। जो यहाँ से व्यू है भाई एकदम ही अमेजिंग है, बहुत ही प्यारा है। लेकिन आजकल बरसात है तो बादल हर तरफ छाए हुए हैं। जब बादल खुल जाएंगे तो मैं दिखाऊंगा कि यहाँ से किस तरह का यहाँ से व्यू है और यहाँ का जो क्लाइमेट और नेचर है बिल्कुल ही शानदार। तो आप भी जरूर विजिट करें यहाँ पे। और हमारा ट्रैकर अभी रिकवर हो चुका है। अभी हम वेट कर रहे हैं एक पापी इंसान का, तो अभी वो गया हुआ है जरा, तो आएगा उसके बाद हम अपना ट्रैक स्टार्ट कर देंगे। गाइस लास्ट टाइम यहाँ से बादल फटा था तो भयंकर वाला सीन था, तो 2 गांव जो है डिस्ट्रॉय होने से बच गए हैं। फाइनली गाइस जो हमारा पापी आदमी उसको अपना एक बैल हीरा तो मिल गया है लेकिन अभी मोती का नामो निशान नहीं है तो उसको ढूंढेंगे। तो अभी ये बंदा गया है नमक देने। तो अभी गाइस ये जो बैल हैं और गायें हैं इनको पापी आदमी ने नमक दे दिया है और ये पापी आदमी हमारा ही है। अभी एक मिल गया है हीरा, अभी मोती की खोज जारी है। फाइनली हमें हीरा ही मिल गया और मोती मिल गया। तो गाइस यहाँ पे हमें मिल चुके हैं जंगली मशरूम, बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं खाने में। और देखो कि जैसे इनको कच्चा भी खा सकते हैं और पका के भी। तो लेकिन गाइस आपको अगर जानकारी पूरी है तभी खाएं, अदरवाइज कुछ जहरीली भी होती हैं तो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ इस ब्यूटी के बारे में। तो आप खुद ही वीडियो देख के डिस्क्राइब कर लेना अपने मन में, आप सोच सकते हो कि किस तरह का नेचर है यहाँ। हर हर शंभो। फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं 5 घंटे ट्रैकिंग के बाद। तो कल बारिश ज़्यादा थी जिस कारण हमें यहाँ रास्ते में रुकना पड़ गया, लेकिन अभी हम पहुँच चुके हैं बारिश से पहले। अभी बारिश तक पड़ी है तो हम
लगभग पहुंच गए हैं। यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है, तो 5 मिनट बाद अपनी डेस्टिनेशन में होंगे, तो फिर रात का प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो जाएगा। टी टाइम। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। फाइनली हमारे रेडी हो चुके हैं ब्रेड पकोड़े, पकोड़े ये हमारे चिप्स और ये कुछ पनीर पकोड़े भी निकाले हुए हमने स्पेशल। और सबसे मेन अहम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो मिस्टर विजय की थी, और उसके बाद हमारे विशाल जी को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का तबाह कर लाकर शेट ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।